बात लोग जो पूछते हैं कि आप इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, ये बताइए इतना पैसा कहाँ से लाए हैं, स्वाभाविक है लोगों को पूछना चाहिए, ये भाई आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा उन लोगों से ले रहे हैं इस अभियान में जिन राज्यों में मैंने पिछले 10 बरस में काम किया, जो लोग वहां जीत गए, जो लोग उनको मदद करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, उनको मैं ये बता रहा हूं कि भाई जीवन में अब हमने एक काम ठाना है बिहार को सुधारने के लिए, इसमें हमारी मदद करो, इसलिए वो लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन आगे तो बाहर के पैसे से ये काम नहीं चल सकता है, तो जब दल बनेगा तो मैं यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना रहा हूँ कि जैसे 2014 से पहले आपने सोशल मीडिया का नाम नहीं सुना था, कम से कम राजनीति में उस चीज को हमने शुरू किया, वैसे हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं क्राउड फंडिंग, जिसमें वो व्यवस्था बनाएंगे कि हर आदमी बिहार का घर में बैठ के 100 रुपया अगर चाहे तो अपने मोबाइल से जन सुराज को दे पाए। और लक्ष्य ये रखा है कि जब पार्टी बने तो 2 करोड़ बिहार के लोगों से 100-100 रुपया लिया जाए, 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए 13 करोड़ बिहार के लोगों में 2 करोड़ आदमी ऐसा है कि नहीं जो 100 रुपया दे दे, साल में 100 रुपया खाली देना है, उसकी व्यवस्था नहीं है। अभी वो व्यवस्था बना रहे हैं, जब ये अभियान खत्म होगा, दल बनेगा, तो पैसे की भी जब, क्योंकि जड़ तो वही है, अगर हम चोरी करके पैसा लाके चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से उस पैसा के वसूली होगी, करना ही पड़ेगा, कोई गेहूं बेच के तो पैसा लाएगा नहीं, गेहूं बेच के उतना पैसा मिलेगा भी नहीं, तो जनता को उसमें भागीदार बनना पड़ेगा। आप 100 रुपया दीजिए और लाखों रुपया जो आपका चोरी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बचाइए। 100 रुपया अगर आप देते हैं और 200 करोड़ रुपया हो जाता है तो चुनाव लड़ने जीतने के लिए 200 करोड़ रुपया बहुत है बिहार में, ये किया जा सकता है। हर काम अगर आप सोच लेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है, ये प्रयास किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको सब बात इसका अच्छा ही लगे, बहुत आदमी को लग रहा है ये तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, कब तक होगा पता ही नहीं चलेगा, बहुत आदमी को लग रहा है ये तो अभी कह न रहे, देखिए ना किसी से बाद में जाके समझौता कर लेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे, या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं मरेंगे। हमको अगर MLA बनना होता, हमको सरकार में जाना होता, तो उसके लिए इतना जीवन खपाने का क्या जरूरत है, तो अभी जाएंगे महागठबंधन वाले बना देंगे। आप राज्य पर उंगली रखिए कि किस राज्य से हमको राज्यसभा जाना है, उसी राज्य से राज्यसभा चले जाएंगे। ये मंत्री बनने का, सरकार बनाने का अभियान नहीं है, हमने अपने जीवन का 10 बरस निकाला है कि इसको ईमानदारी से समाज में सुधार करके दिखाएंगे। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर ये बिहार में हमने कर दिया तो ये कहानी बिहार तक नहीं रुकेगी, बिहार में जो फायदा होगा वो तो होगा ही, एक जो बहुत बड़ा इसका फायदा मैं देखता हूं, ये जो बिहारी कह के हम लोग को अपमानित किया जाता है, एक धारणा बन गई है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब जातिवाद, बिहारी मतलब गरीब, अगर बिहार के इसी जातिवादी व्यवस्था से इसी गरीब अनपढ़ समाज ने वो राजनीतिक व्यवस्था बना ली जो देश में किसी ने नहीं बनाई है, तो बिहारियों का जो सम्मान है वो भी बहुत स्तर तक वापस लौटेगा, कोई हंस नहीं पाएगा। गांधी ने जब सत्याग्रह किया तो सत्याग्रह से आजादी नहीं मिली, चंपारण में किए गए सत्याग्रह से देश को ये विश्वास बना कि ये भी एक हथियार है जिससे अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है, तब देश ने माना। अगर सत्याग्रह नहीं हुआ होता तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हो सकता।